नीतीश राजपूत की भाई वीडियो है, बहुत ही डिटेल में वीडियो बनाई है कि किस तरह के हालात थे जब पार्टीशन हो गई थी और किस तरह जो है वो कबायलियों ने कब्जाया, फिर आर्टिकल 370 लगा, फिर कैसे उसको हटाया, क्या उसकी प्लानिंग थी, काफ़ी डिटेल में वीडियो बनाई है। और इसके भाई साहब दो पार्ट आएंगे, तो आज पहला पार्ट देखते हैं और अपना रिव्यू एंड कर देंगे। कौन करते हैं 3-2-1 वीडियो स्टार्ट। आधी रात में ही पीएम मोदी जो थे वो एक सीक्रेट गाड़ी में प्रेसिडेंट हाउस पहुंचते हैं। महबूबा मुफ्ती गवर्नमेंट बनाने के लिए सबसे पहले तो फोन वगैरह ट्राई करती हैं, लेकिन वो फोन नहीं उठता है। लेकिन आप कोइंसिडेंस देखिए, उसी पर्टिकुलर टाइम पे फैक्स मशीन खराब हो जाती है। इसी दिन आर्टिकल 370 हटाने की नींव रख दी गई थी। अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे। इस पर्टिकुलर टाइम तक बीजेपी ने अपनी पूरी प्लानिंग कर ली थी। एडवाइजरी जारी की जाती है कि डिवोटीज यात्रा बीच में ही रोक दें और जो कश्मीर वैली है उसको छोड़ के वहां से बाहर चले जाएं। यानी कि इसकी वजह से आर्टिकल 370 को हटाना बहुत ही टेढ़ी खीर हो गई। नेहरू जी आर्मी भेजने के बहुत खिलाफ थे, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल जबरदस्ती आर्मी भेज देते हैं। जब पाकिस्तान को इतना पीछे कर दिया था, थोड़ा और पीछे कर देना चाहिए था। बीच में यूएन में जाने की क्या जरूरत थी कि एक देश में दो विधान, दो निशान, दो प्रधान नहीं चलेंगे। देखिए, जब भी जम्मू एंड कश्मीर की बात होती है तो आर्टिकल 370 और 35 है, इनकी बात जरूर होती है और आप सबको ऑलरेडी पता है कि इनको हटा दिया गया है। लेकिन ये जो आर्टिकल्स थे ये कोई नॉर्मल आर्टिकल्स नहीं थे, इनके अंदर कुछ ऐसी चीजें मेंशंस थी जिसकी वजह से इतने सालों तक ये कॉन्ट्रोवर्शियल और एक हिस्टोरिकल मुद्दा बना इंडिया के अंदर। जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो आप। इसको हटाने के बाद भी आज की डेट तक इसके बारे में बात होती है। बहुत ही यूनिक वजह से इन आर्टिकल्स को लाया गया था और जब इनको हटाया गया वो भी यूनिक था, इसलिए इतने साल लगे इसको हटाने में। 4 से 5 साल तक एक प्रॉपर प्लानिंग के तहत इसको हटाया गया और जो प्लानिंग और स्ट्रेटजी बनाई गई थी वो भी बहुत यूनिक थी। और वही चीज मैं आज आपको बहुत ही डिटेल में बताऊंगा कि ये लाया क्यों गया था और क्या तरीके यूज हुए थे इसको हटाने के लिए। एंड आई एम श्योर आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई चाणक्य नीति की मूवी चल रही हो, इतना दिमाग लगा के इसको हटाया गया था। बट इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। देखिए, देश आजाद होने से पहले इंडिया का जो मैप था वो ये था और इस पूरे एरिया में ब्रिटिशर्स दो तरीके से राज करते थे। ये मैप में आपको येलो और पिंक कलर दिख रहा होगा, जहां येलो कलर है मतलब कि वहां डायरेक्ट ब्रिटिशर्स का राज था जिसे ब्रिटिश इंडिया कहा जाता था। और जो स्टेट्स आपको पिंक कलर में दिख रहे हैं वहां ब्रिटिशर्स उस जगह के राजा या निजाम के साथ मिलकर इनडायरेक्टली राज करते थे, इनको प्रिंसली स्टेट कहा जाता था। इन प्रिंसली स्टेट्स में राजा अपने स्टेट की सभी इंटरनल चीजें खुद संभालते थे, बस डिफेंस, फॉरेन अफेयर और कम्युनिकेशन जो था ये चीजें ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में होती थी। और ये जो जम्मू एंड कश्मीर है, हैदराबाद, जोधपुर, ये सब प्रिंसली स्टेट्स थे। ऐसे करके करीब 565 प्रिंसली स्टेट थे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक काफी कॉमन प्रॉब्लम डिस्कस करना चाहता हूं जिसके बारे में रिसेंटली कुछ सब्सक्राइबर्स ने भी मुझसे पूछा था। ये इंडियन मेल्स में एक बढ़ती प्रॉब्लम होती जा रही है और वो है हेयर लॉस। जनरली हमने अपने दिमाग में एक चीज फिक्स कर रखी है कि अगर हमारे माँ बाप में से किसी को हेयर फॉल की प्रॉब्लम थी मतलब हम भी गंजे हो जाएंगे और इस जेनेटिक हेयर लॉस का कोई इलाज नहीं है। अब देखिए, ये बात तो सच है कि ऐसे केसेस में गंजे होने का रिस्क रहता है, लेकिन अगर आप टाइमली एक्शन लें तो इससे बचा जा सकता है। आपके सामने मैं उन लोगों के रिजल्ट्स दिखाना चाहता हूं जिनको जेनेटिक हेयर लॉस होना शुरू हुआ लेकिन उन्होंने मैनेज कर लिया इसको। जेनेटिक हेयर लॉस जो होता है वो DHT हार्मोन से होता है जो सभी मेल्स में होता है, लेकिन जिनके बाल DHT से सेंसिटिव होते हैं उनमें ये हेयर लॉस पैदा करता है। और ये जो सेंसिटिविटी है ये डाइट, लाइफस्टाइल, स्ट्रेस से इंक्रीज हो सकती है। तो इसका जो ट्रीटमेंट है वो भी ये सारी चीजें समझ के करना चाहिए, जो ट्राया एकदम अच्छी तरीके से करता है। ट्राया का हेयर टेस्ट आपके हेयर लॉस का स्टेज, रीजन, टाइप आइडेंटिफाई करेगा और फिर आपको कस्टमाइज ट्रीटमेंट देगा। इनके बाकी 93% कस्टमर्स की तरह मैंने खुद इससे काफी इंप्रूवमेंट देखा है। आप भी ट्राया ऐप डाउनलोड करके फ्री हेयर टेस्ट लेकर अपना कस्टमाइज किट लीजिए और 5 से 6 महीने में रिजल्ट्स देखिए। मेरा कूपन कोड 20NR यूज करने पर आपको 20% डिस्काउंट भी मिल जाएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो टॉपिक पे वापस आते हैं। अब देखिए, होता क्या है कि जब ब्रिटिशर्स का इंडिया से जाने का टाइम आता है तो ब्रिटिश गवर्नमेंट 2 जून 1947 को एक माउंटबेटन प्लान लेके आती है जिसमें यह था कि ब्रिटिश इंडिया को रिलीजियस डेमोग्राफी यानी कि हिंदू मुस्लिम पॉपुलेशन के हिसाब से दो देशों में बांट दिया जाएगा। और ये जो प्लान था इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह थी कि ब्रिटिश इंडिया को ही बांटा जाएगा, ये जो प्रिंसली स्टेट्स थी ये इसमें इंक्लूडेड नहीं थी। इस प्लान में यह कहा गया था
था कि जो प्रिंसली स्टेट है उनकी मर्जी है, वो इंडिया के साथ रहना चाहें तो इंडिया के साथ रहें, पाकिस्तान के साथ रहना चाहें तो पाकिस्तान के साथ रहें, या फिर उनका अगर मन है कि वो इंडिपेंडेंट रहना चाहती हैं तो इंडिपेंडेंट रह सकती है। तो उस टाइम पे ऐसे एरिया वाइज पॉपुलेशन रहती थी। डार्क ग्रीन वाला जो एरिया आप देख रहे हैं इसमें मुस्लिम पॉपुलेशन जो थी वो मेजोरिटी में थी। तो ये जो माउंट बैटन प्लान था इसको 18th of July 1947 को इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के नाम से लागू करके बंटवारा शुरू कर दिया जाता है, जिसमें बंगाल के दो हिस्से होते हैं। ईस्ट बंगाल जो था वो पाकिस्तान के पास गया, फिर पंजाब के दो हिस्से होते हैं जिसमें वेस्ट पंजाब जो था वो पाकिस्तान के पास गया, सिंध और ये जो पूरा बलूचिस्तान प्रोविंस है ये पाकिस्तान के पास गया, और बाकी जो ब्रिटिश इंडिया का पार्ट था वो सारा का सारा इंडिया के पास गया। और फिर इसके बाद 14th of August 1947 को पाकिस्तान और 15th of August 1947 को इंडिया आजाद होता है। ये जो एरिया था इस तरीके से बांटा गया था। ये जो खाली पार्ट आपको दिख रहा है ये सारे प्रिंसली स्टेट थे, छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट थे यहाँ पे। अब ये जो प्रिंसली स्टेट थे इनको इंडिया की तरफ से सरदार वल्लभ भाई पटेल और पाकिस्तान की तरफ से जिन्ना अपने अपने खेमे में जोड़ने के लिए ट्राई करना स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तान के पास ये सारे प्रिंसली स्टेट्स आ जाते हैं और बाकी जितने बचते हैं वो इंडिया के पास आ जाते हैं। अब ये सारी चीजें जितनी आसानी से मैं बता रहा हूं कि ये ऐसे डिवाइड हो गए थे, इतनी आसानी से नहीं हुए थे। कुछ को लालच देके, कुछ को डंडे के जोर पे, बहुत ही मुश्किलों से इन प्रिंसली स्टेट्स को साथ में जोड़ा गया था। तो जब भी इन प्रिंसली स्टेट को जोड़ा जाता था तो ये जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन डॉक्यूमेंट है ये साइन कराया जाता था। इस डॉक्यूमेंट में मेनली वही सेम चीजें थी जो ब्रिटिशर्स के साथ जो अरेंजमेंट था, सेम वही अरेंजमेंट इस डॉक्यूमेंट के अंदर भी लिखा गया था। डिफेंस, फॉरेन अफेयर और कम्युनिकेशन, इनको छोड़ के जो बाकी इंटरनल मैटर है वो राजा खुद देखेगा। बाकी फिर टाइम के साथ आगे चल के इनसे मर्जर एग्रीमेंट भी साइन करा लिया गया था, जिसमें इनकी जो रियासतें थी वो पूरी तरीके से इंडिया के साथ जुड़ गई थी। अब देखिए जितने भी प्रिंसली स्टेट थे, छोटे बड़े जितने भी थे, सबका मैटर सॉल्व हो गया था, लेकिन तीन जगह पे आके बात फंस गई थी। और वो तीन जगह थी जम्मू एंड कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद। और रीजन इसके पीछे ये था कि जूनागढ़ और हैदराबाद में राजा मुस्लिम था, लेकिन इनके स्टेट के अंदर जो मेजोरिटी थी वो हिंदू जनता थी। ऐसे ही जम्मू एंड कश्मीर में राजा हिंदू था, लेकिन जो पॉपुलेशन थी उनमें मेजोरिटी जो थी वो मुस्लिम्स की थी। और इन तीनों प्रिंसली स्टेट्स को अपनी तरफ करने के लिए पाकिस्तान और इंडिया में बहुत ज्यादा बहस चालू हो गई थी। जूनागढ़ का जो नवाब था महाबत खान रसूल खान जी, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने अपने स्टेट के अंदर जो दीवान रखा था वो शाह नवाज भुट्टो, इसको बनाया था। इसका जूनागढ़ से कुछ लेना देना नहीं था, ये कराची से था। तो जूनागढ़ के राजा के साथ साथ ये जो दीवान था इसका झुकाव भी पाकिस्तान की तरफ था। और फिर 15th of August 1947 को जब जूनागढ़ की पाकिस्तान और इंडिया से जुड़ने की बात चल रही थी तो जूनागढ़ के निजाम और राजा ने कहा कि वो पाकिस्तान के साथ जाके मिलेंगे। और इन्होंने 15th of September 1947 को पाकिस्तान के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर दिया। और इसी पर्टिकुलर टाइम पे जम्मू एंड कश्मीर और हैदराबाद यहां भी इसी तरीके के डिस्कशन चल रहे थे, वो भी अभी आगे बताऊंगा, पहले जूनागढ़ का मैं बता देता हूं आपको। अब जूनागढ़ के राजा ने जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन वगैरह किया तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे ये बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि एक तरफ तुमने ये कह के पार्टीशन करवा दिया कि हिंदू और मुस्लिम साथ में नहीं रह सकते, और दूसरी तरफ जो हिंदू मेजोरिटी वाला स्टेट है उसको आप अपने में मिला रहे हो। वहीं जिन्ना का कहना था कि इस हिसाब से तो जम्मू एंड कश्मीर में मुस्लिम ज्यादा हैं, तो वो तो हमें मिलना चाहिए, इसलिए कश्मीर हमें दे दो। और फिर इधर से कहा जाता था कि इंडिया तो सेकुलर कंट्री है, यहां तो किसी भी रिलीजन के लोग रह सकते हैं। तो ये सारी बहस जब चल रही थी तो इसी बीच क्या होता है कि जूनागढ़ के अंडर में दो रियासतें थी, मंगरोल और बवरियावाद। तो इनके जो राजा थे वो इंडिया के साथ मिल गए और पेपर वगैरह भी साइन करने लगे। और इसके बाद इंडिया ने आर्मी भेज के जूनागढ़ को चारों तरफ से घेर लिया था। ऐसा इसलिए किया गया था ताकि जूनागढ़ का जो कनेक्शन है किसी भी तरीके की सप्लाई वगैरह पाकिस्तान से ना आ पाए। अब ये सारी चीजें देख के निजाम जो था वो डर गया था, वो जूनागढ़ छोड़ के सीधे पाकिस्तान भाग जाता है। और फिर इसके बाद ये डिसाइड होता है कि जूनागढ़ का क्या होना है, इसका फैसला जूनागढ़ की जो जनता है वो करेगी। फिर 28th February 1948 को प्लेबिसाइड होता है और रिजल्ट में 99.95% वोट इंडिया के फेवर में आ जाता है। और इस तरीके से जूनागढ़ जो था वो इंडिया का पार्ट बन जाता है। ये स्टोरी जो जूनागढ़ की है ये अभी आपको इरेलेवेंट लग रही होगी, लेकिन अभी आगे जब मैं जम्मू एंड कश्मीर की बात करूंगा तब आपको थोड़ा सा इसका रेलेवेंस समझ में आएगा। और अब बात करते हैं हैदराबाद की। इसी टाइम पे हैदराबाद में भी इशू चल रहे थे, तीनों जो स्टेट है सेम टाइम पे इशू चल रहे थे। अब हैदराबाद में पॉपुलेशन हिंदू मेजोरिटी में थी, लेकिन निजाम मीर उस्मान अली खान का जो मन था वो ये था कि वो इंडिपेंडेंट रहे, और अगर मजबूरी में किसी कंट्री के साथ मिलना भी है तो पाकिस्तान से मिले। लेकिन हैदराबाद को अगर आप देखोगे तो वो इंडिया के बीचों बीच है, तो ये चीज पॉसिबल नहीं थी, और इंडिया के लिए भी बहुत बड़ा थ्रेट हो जाता कि बीच में ऐसे कोई जगह होती जो पाकिस्तान बनी हुई होती। तो इंडिया की तरफ से बैक टू बैक बातचीत स्टार्ट होना शुरू होती है और काफी प्रेशर डेवलप होता है। तो निजाम क्या करता है कि वो एक साल का टाइम मांगता है और स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट जो होता है वो साइन कर लेता है। इसमें वो कहता है कि
एक साल तक वो जैसी सिचुएशन है वैसी रहेगी, और उसके एक साल के बाद हम लोग डिसाइड करेंगे कि हैदराबाद और इंडिया का कैसा रिलेशन रहेगा। और इंडिया इस पर्टिकुलर टाइम में बड़ी आसानी से ये चीज़ मान जाता है, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर में भी इंडिया फंसा हुआ था तो वो पहले वहाँ डील कर रहा था। लेकिन हैदराबाद का जो निज़ाम था उसने इस एक साल के अंदर पहले तो पाकिस्तान के साथ मिलकर स्ट्रेटजी बनाना स्टार्ट किया, मतलब कई सारी डिस्कशन स्टार्ट कर दी उससे, और एक पर्सनल आर्मी भी बना ली इस पर्टिकुलर टाइम पे, जिसको रजाकार बोला जाता था। ये आर्मी हैदराबाद से बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया में भी चली जाती थी और काफी मारपीट मचाती थी। हैदराबाद के कुछ नॉन मुस्लिम लोग जो थे उनको भी मारती थी। ये जो रजाकार आर्मी थी, इनका मानना था कि हैदराबाद एक इंडिपेंडेंट देश बनना चाहिए। अब ये जो रजाकार आर्मी थी इतना ज्यादा परेशान कर देती कि इंडिया को सब कुछ छोड़ के हैदराबाद में अपनी आर्मी भेजनी पड़ती है। नेहरू जी आर्मी भेजने के बहुत खिलाफ थे, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल जबरदस्ती आर्मी भेज देते हैं। इस पूरे ऑपरेशन को ऑपरेशन पोलो नाम दिया गया था। दो दिन के अंदर पूरा का पूरा जो हैदराबाद था वो कंट्रोल में आ जाता है, और निजाम यानी कि मीर उस्मान अली खान इंडिया के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो था वो साइन कर देते हैं। और अब आते हैं जम्मू एंड कश्मीर पे, जहाँ पे आर्टिकल 370 और 35A जो है इनकी कहानी स्टार्ट होती है। और थोड़ा सा जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो इंटरनल सिचुएशन चल रही थी वो डिस्कस कर लेते हैं, फिर आते हैं अपनी मेन कहानी पे। तो देखिए, जम्मू एंड कश्मीर में क्या था कि करीब 77% पॉपुलेशन जो थी वो मुस्लिम थी, और जम्मू एंड कश्मीर में क्या था कि टाइम टू टाइम जो राजा है उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी जनता के बीच में भेदभाव रखा। जब मुस्लिम राजा आया तो उसने हिंदुओं को दबा के रखा, और जब हिंदू राजा आए तो उन्होंने मुस्लिमों को दबा के रखा। तो जम्मू एंड कश्मीर में जो राजा हरि सिंह थे उनके ऊपर भी ऐसे आरोप लगते थे कि वो हिंदुओं को फेवर करते हैं। एक स्टेट सब्जेक्ट लॉ 1927 बनाया था राजा हरि सिंह ने, जिसमें एलिगेशन थे इनके ऊपर कि ये हिंदुओं को गवर्नमेंट जॉब में प्रायोरिटी देते हैं। तो इन सारी चीजों को लेके जम्मू कश्मीर के अंदर जो मुस्लिम्स थे वो प्रोटेस्ट वगैरह टाइम टू टाइम करते रहते थे। और सबसे बड़ा जो प्रोटेस्ट हुआ था वो ईयर 1931 में हुआ था, और इसी टाइम पे एक आदमी था शेख अब्दुल्ला, वहां पे जो अभी फारूक अब्दुल्ला है उनके फादर, तो ये राजा के खिलाफ आवाज उठाना शुरू कर देते हैं कि राजा को हटाओ और डेमोक्रेसी लेके आओ। तो इस पर्टिकुलर टाइम पे ये चल रहा था कि इंडिया के अंदर ब्रिटिशर से नेहरू जी जो थे वो लड़ाई कर रहे थे, और सेम टाइम पे शेख अब्दुल्ला जो था वो कश्मीर के अंदर राजा के खिलाफ मुहिम चला रहा था, लड़ाई कर रहा था। और अपनी बात आगे रखने के लिए शेख अब्दुल्ला ने ऑल जम्मू एंड कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस नाम से एक पार्टी बनाई थी, जो आगे चल के सेकुलर दिखाना था उनको, तो उसका नाम चेंज करके नेशनल कॉन्फ्रेंस रख दिया गया था। और ये जो पॉलिटिकल पार्टी है ये अभी भी है। तो उस टाइम पे नेहरू जी एक तरफ इंडिया में डेमोक्रेसी लाने के लिए क्विट इंडिया मूवमेंट कर रहे थे, सेम टाइम पे जो शेख अब्दुल्ला थे ये भी कश्मीर के अंदर क्विट कश्मीर मूवमेंट चला रहे थे। और इन्हीं सब वजह से जवाहरलाल नेहरू और शेख अब्दुल्ला में बहुत ही अच्छी दोस्ती भी हो गई थी। और ऐसा भी कहा जाता है कि शेख अब्दुल्ला ने नेहरू जी को कॉन्फिडेंस दिया था कि उनके हाथ में जब पावर या पोजीशन आएगी तो वो इंडिया को ही सपोर्ट करेंगे अगर मिलने की बात आई तो। अब ये सारी चीजें जो हो रही थी राजा हरि सिंह को भी पता थी, इसलिए राजा को ना तो शेख अब्दुल्ला पसंद था ना ही जवाहरलाल नेहरू, और पाकिस्तान के जो जिन्ना थे वो भी राजा को नहीं पसंद थे। और ऐसा इसलिए था क्योंकि राजा को पता था कि जो शेख अब्दुल्ला और जवाहरलाल नेहरू हैं ये किसी ना तरीके से आगे चल के कोशिश करेंगे डेमोक्रेसी लाने की या राजशाहत जो है उसको हटाने की। और वहीं पाकिस्तान में राजा को यह डर था कि अगर आगे चल के कभी मिलना पड़ गया पाकिस्तान से तो वो राजा हिंदू है उसको हटा के फेंक देंगे, और इंडिया के साथ मिलेंगे तो नेहरू और शेख अब्दुल्ला जो है वो डेमोक्रेसी की बात करेंगे, तो वहां जो राजा है वहां पर उसकी गद्दी खतरे में आएगी। तो कुल मिलाकर राजा को अपनी गद्दी बहुत प्यारी थी, इसलिए उसने कहा कि उसको इंडिपेंडेंट रहना है, उसको किसी से नहीं मिलना है। तो इसीलिए जब इंडिया और पाकिस्तान आजाद हुए तो राजा ने कहा कि ना तो उसको इंडिया से मिलना है ना पाकिस्तान से मिलना है, वो कोई इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो है उसको साइन नहीं करेगा। हां वो एक चीज कर सकता है कि वो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट जो है उसको साइन कर लेगा, और इस चीज का ऑफर जो है उसने पाकिस्तान और इंडिया दोनों को दिया, जिसमें से पाकिस्तान ने ये जो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट था इसको साइन कर लिया था, जिसका मतलब ये था कि जम्मू एंड कश्मीर और पाकिस्तान के बीच में ट्रेड, ट्रैवल, कम्युनिकेशन, फ्लो ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज जो है ये एकदम फ्रीली मूव होंगी। लेकिन इंडिया ने ये स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट भी साइन नहीं किया था। अब पाकिस्तान ने एग्रीमेंट साइन तो कर लिया था, लेकिन पाकिस्तान के मन में डे वन से था कि कैसे भी करके कश्मीर को वो पाकिस्तान से जोड़ ले, क्योंकि वहां पे उसको लगता था कि वो पाकिस्तान को बिलोंग करता है, वहां मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है। और जब उसको लगा कि ये स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट वगैरह इससे कोई फायदा है नहीं, चीजें हाथ से बाहर जा रही हैं, तो पाकिस्तान ने इस एग्रीमेंट को फॉलो करना बंद किया और कश्मीर के सारे जो फूड सप्लाई वगैरह थे वो सब रोक दिए, और नेक्स्ट डे कश्मीर के ऊपर अटैक कर दिया। लेकिन अटैक करने के लिए पाकिस्तान ने अपनी मिलिट्री नहीं भेजी, इसकी बजाय अनऑफिशियली एक पश्तून ट्राइब थी वहां की, उसको लड़ने के लिए भेजा ताकि पाकिस्तान के ऊपर ब्लेम ना आए। पाकिस्तान ने इस साइड से अटैक करना स्टार्ट किया, और कुछ ही दिनों में पाकिस्तान के लड़ाके यहां तक यानी कि श्रीनगर के बहुत करीब पहुंच गए थे, और कश्मीर के अंदर पहुंच के जो लड़ाके थे इन्होंने बहुत ज्यादा मारकाट मचाई, क्या हिंदू क्या मुस्लिम किसी को नहीं छोड़ा। अब इसके बाद ये लोग राजा हरि सिंह के एरिया में भी एंटर करने वाले थे, और राजा को समझ में आ गया था कि अब जम्मू एंड कश्मीर भी जाएगा हाथ से और उसकी जान भी खतरे में है,
तो तुरंत वो इंडिया की तरफ मुंह करता और इंडिया से मदद मांगता। अब इंडिया का कहना था कि जम्मू एंड कश्मीर ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन तो साइन किया नहीं है, जम्मू एंड कश्मीर अभी इंडिया का पार्ट तो बना नहीं है, तो हम मदद नहीं कर सकते। तो राजा हरि सिंह ने 26th of October 1947 को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया और जम्मू एंड कश्मीर इंडिया का पार्ट बन गया। अब कश्मीर का डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर और कम्युनिकेशन इंडिया की जिम्मेदारी हो जाती है। इसके साथ साथ नेहरू जी ने राजा हरि सिंह से यह भी डिमांड की थी शेख अब्दुल्ला, जिसको जेल में बंद किया गया, उसको भी निकाल दें, और शेख अब्दुल्ला को पीएम बनाने के लिए भी नेहरू जी ने राजा को कन्विंस कर लिया था। जवाहरलाल नेहरू पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस में थे कि जम्मू एंड कश्मीर के इंडिया से मर्जर की जब बात आएगी तो शेख अब्दुल्ला इंडिया के साथ खड़ा रहेगा। तो ये सारी चीजें सेट होने के बाद अगले दिन 27th of October 1947 को इंडिया की सिख बटालियन कश्मीर में एयर ड्रॉप की जाती है और ये जो पाकिस्तान के लड़ाके आए हुए थे, इन्होंने जो एरिया कैप्चर कर रखा था, इनको पीछे करना स्टार्ट करती है। अब ये लड़ाई इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में बदल गई थी। अब 20th दिसंबर 1947 को इंडियन कैबिनेट डिस्कस करती है कि अगर ये मैटर यूएन में ले जाएंगे तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो है वो हमने साइन कर रखा है, इसलिए यूएन पाकिस्तान को कश्मीर से बाहर निकालने के ऑर्डर देगा। और रही बात जम्मू एंड कश्मीर को बाद में इंडिया से मिलाने की, तो उसको लेकर नेहरू जी कन्विंस थे कि फैसला इंडिया के हक में जाएगा। और अगर प्लेबिसाइट की भी नौबत आती है तो जम्मू और लद्दाख की जो पॉपुलेशन वो इंडिया के फेवर में है, और कश्मीर में मैटर अगर फंसेगा तो शेख अब्दुल्ला जो है वो इंडिया के फेवर में है, वो लोगों को कन्विंस कर लेगा इंडिया के साथ जुड़ने के लिए। तो ये सारी चीजें सोच के 21st ऑफ अप्रैल 1948 को यूएन में पहुंचते हैं लोग। लेकिन उस टाइम पे यूएन के अंदर यूएसए का बहुत इन्फ्लुएंस था और यूएसए पाकिस्तान के फेवर में था उस पर्टिकुलर टाइम पे। फिर इसके कुछ टाइम बाद यूएन का रेजोल्यूशन आता है जिसमें सबसे पहली चीज तो ये मेंशन थी कि जो जहां पे है वहीं पे वॉर को रोक दे, और 1st ऑफ जनवरी 1949 को इंडिया पाकिस्तान जहां पे थे वहीं पे रुक गए और उसी जगह को एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल बना दिया गया। दूसरी चीज यूएन ने कही कि जम्मू एंड कश्मीर में क्या होगा, इसका फैसला जम्मू एंड कश्मीर की जनता करेगी। तो सबसे पहले तो पाकिस्तान जम्मू एंड कश्मीर से अपनी जितनी भी फोर्सेस हैं उनको बाहर निकालेगा, फिर इंडिया अपनी फोर्सेस को बाहर निकालेगी, उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर में प्लेबिसाइट होगा जो कि जम्मू एंड कश्मीर का एडमिनिस्ट्रेशन करवाएगा, फिर डिसाइड होगा कि जम्मू एंड कश्मीर किस देश में जाके मिलेगा। अब इस पर्टिकुलर चीज के लिए नेहरू जी को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है कि राजा हरि सिंह एक ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए थे जहां उनके जीने मरने की बात थी, तो आप उस पर्टिकुलर टाइम पे जो चाहते वो साइन करा सकते थे, मर्जर एग्रीमेंट वगैरह कोई भी शर्त वगैरह हो आप उस पर्टिकुलर टाइम पे मनवा सकते थे। और दूसरी चीज, जब पाकिस्तान को इतना पीछे कर दिया था, थोड़ा और पीछे कर देना चाहिए था, बीच में यूएन में जाने की क्या जरूरत थी। लेकिन नेहरू जी के सपोर्ट में जो लोग रहते हैं उनका ये मानना है कि अगर मिलिट्री के दम पे कश्मीर को ले लिया जाता तो वो एक टेंपरेरी सॉल्यूशन होता। दूसरी दिक्कत इसमें यह आती कि पाकिस्तान का जो क्लेम था जूनागढ़ और हैदराबाद में कि दोनों स्टेट के राजा पाकिस्तान के साथ जुड़ना चाहते थे, जूनागढ़ में तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन भी साइन हो गया था, सेम वही जम्मू एंड कश्मीर वाली सिचुएशन थी, तो वहां पे ये जो क्लेम था पाकिस्तान का वो बहुत स्ट्रांग हो जाता इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे। तो इसलिए नेहरू जी प्लेबिसाइट करा के जम्मू एंड कश्मीर को लेना चाहते थे। और दूसरी चीज, नेहरू जी को शेख अब्दुल्ला पे बहुत कॉन्फिडेंस था, जो आगे चल के शेख अब्दुल्ला ने उस कॉन्फिडेंस को तोड़ा भी। तो देखिए, अब यूएन का रेजोल्यूशन आ चुका था, यूएन के हिसाब से पाकिस्तान को पीछे हटना था, फिर प्लेबिसाइट होना था, तो ये सारी चीजें यूएन ने मेंशन कर दी थी। लेकिन जब पाकिस्तान था वो तो पीछे हटा नहीं, और प्लेबिसाइट की जो बात थी वो तो जब तक पीछे हटेगा नहीं तब तक होगी कैसे। तो उस पर्टिकुलर टाइम पे ये डिस्कशन स्टार्ट हो गया कि जब तक ये होता नहीं है तब तक जम्मू एंड कश्मीर चलेगा कैसे, इंडिया और जम्मू एंड कश्मीर के जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन है ये क्या होंगे उस टाइम पे। तो इसको लेके मल्टीपल डिस्कशन स्टार्ट हो गए थे इंडिया और जम्मू एंड कश्मीर के बीच में। तो तब तक के लिए टेम्परेरी प्रोविजन कुछ बना लेते हैं ताकि जम्मू एंड कश्मीर की प्रोग्रेस आगे होती रहे, इंडिया और जम्मू कश्मीर के रिलेशन जो है वो आगे बढ़ते रहे। और जब ये सारी बातें चल रही थी तो इसी पर्टिकुलर टाइम पे इंडिया भी आजाद हुआ था, इंडिया का भी कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था। और इसमें मैं एक चीज आपको बता दूं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो कोई एक आदमी बैठ के नहीं बनाता है, कॉन्स्टिट्यूशन को कई सारे लोग मिलकर बनाते हैं, इनमें माइनॉरिटी भी होते हैं, हर पार्टी के लोग इन्वॉल्व होते हैं, इसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बोला जाता है। इसका काम होता है कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना। तो इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसमें 299 मेंबर थे और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो थे वो उसको हेड कर रहे थे। और इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसमें जम्मू एंड कश्मीर के भी लोगों को ऐड कर लिया गया था ताकि जम्मू एंड कश्मीर और इंडिया साथ में मिलकर चीजों को आगे बढ़ाएं और इसका कुछ सोल्यूशन निकालें। और इस पर्टिकुलर टाइम पे जम्मू एंड कश्मीर जो था उसका खुद का कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था और ना ही उसकी कोई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी हुई थी। अब अगर आप जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन है जो साइन हुआ था उसमें अगर 7th पॉइंट पे देखोगे तो इसमें लिखा है कि किसी भी कीमत पे फ्यूचर में इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो जम्मू एंड कश्मीर पे नहीं चलेगा, बस फॉरेन अफेयर, डिफेंस और कम्युनिकेशन जो है इसके मैटर पे कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा सकता है, वो भी कंसल्टेशन के साथ। तो इस बात का सोल्यूशन निकालने के लिए ये डिस्कशन स्टार्ट हो गए थे कि जो पॉइंट मेंशन है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में इनकी भी वैल्यू रहे और इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के जो कुछ प्रोविजंस हैं वो भी जम्मू कश्मीर में लागू हो जाए। और इस चीज का सोल्यूशन गोपाल स्वामी अयंगर ने निकाला। इन्होंने एक टेम्परेरी और स्पेशल प्रोविजन
आर्टिकल 370 इंट्रोड्यूस किया और इसको इस तरीके से बनाया गया कि जम्मू एंड कश्मीर की ऑटोनॉमी भी बनी रहे और इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ प्रोविजन जो है वो भी जम्मू एंड कश्मीर में इंटीग्रेट हो गया। अश्योर कश्मीरी पीपल द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर दैट इफ दे विल बी स्टेइंग अ पार्ट ऑफ इंडिया अंडर सर्टेन कंडीशंस एंड आर्टिकल 370 इज गारंटीज दोस कंडीशंस सो नो पावर ऑन दिस अर्थ कैन टेक अवे यू नो आर्टिकल 370 फ्रॉम यू नो द पीपल ऑफ जे एंड के स्टेट। तो क्वेश्चन ये है कि ये जो आर्टिकल 370 है इसमें था क्या? तो देखिए पहली चीज आर्टिकल 370 में ये थी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सिर्फ दो ही आर्टिकल जम्मू एंड कश्मीर पे लागू होंगे, एक आर्टिकल 1 और दूसरा आर्टिकल 370। इसके अलावा कोई और आर्टिकल जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जम्मू एंड कश्मीर पे लागू नहीं होगा। आर्टिकल 1 में ये था कि इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट और ये जो फ्रेज है यूनियन ऑफ स्टेट इसमें जम्मू एंड कश्मीर भी है, मतलब कि जम्मू एंड कश्मीर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। और इस पर्टिकुलर आर्टिकल को लेके कोई भी विवाद नहीं है, चाहे वो जम्मू कश्मीर से कोई हो चाहे इंडिया से हो, दोनों लोग ये मानते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर जो है वो इंडिया का पार्ट है। इनफैक्ट जम्मू एंड कश्मीर का जो आगे चल के कॉन्स्टिट्यूशन भी बना था उसमें भी सबसे पहला आर्टिकल में यही लिखा गया है कि जम्मू एंड कश्मीर जो है वो इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है। तो अब ये तो आर्टिकल 1 की बात हो गई, अब आर्टिकल 370 में ये था कि इंडिया का जो पार्लियामेंट है वो इंडिया के लिए तो कुछ भी लॉ बना सकता है, लेकिन इंडिया का पार्लियामेंट जम्मू एंड कश्मीर के लिए सिर्फ तीन चीजों पे ही रूल्स एंड रेगुलेशन बना सकता है। और वो तीन चीजें क्या थी? वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में मेंशन थी, मतलब कि फॉरेन अफेयर, डिफेंस और कम्युनिकेशन। और इन तीनों सब्जेक्ट पे भी जब लॉ बनाएगा इंडिया का पार्लियामेंट तो जम्मू एंड कश्मीर की जो गवर्नमेंट है उससे भी कंसल्टेशन करेगा, एक बार बताना होगा। तो अब क्वेश्चन ये है कि ये जो तीन सब्जेक्ट हैं इसके अलावा भी इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जम्मू एंड कश्मीर के लिए कुछ प्रोविजन या कुछ लॉ वगैरह बना सकता है क्या? तो इसका आंसर है यस, बनाया जा सकता है, लेकिन उसकी कुछ कंडीशन है जो आर्टिकल 370 में मेंशन है। तो उसमें ये है कि इंडिया ये जो तीन सब्जेक्ट हैं डिफेंस, फॉरेन अफेयर और कम्युनिकेशन, अगर इसके अलावा इंडिया का कोई कानून जम्मू एंड कश्मीर में लागू करना है या कोई ऐसा प्रोविजन है जो जम्मू कश्मीर में लागू करना है तो सबसे पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर पास करना होगा। लेकिन वो जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर होगा वो तब इशू होगा जब जम्मू एंड कश्मीर की जो गवर्नमेंट है वो अप्रूवल देगी, उसके बाद ही वो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जो है वो पास हो सकता है। बाकी इसके अलावा कोई भी और तरीका नहीं है इंडिया का कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन जम्मू एंड कश्मीर के अंदर लागू करने का। तो कहने का मतलब यह है कि एक तरह से जम्मू एंड कश्मीर की जो गवर्नमेंट होगी वही डिसाइड करेगी कि इंडिया का कौन सा प्रोविजन या लॉ उनको चाहिए। जैसे जीएसटी के टाइम पे आपने देखा होगा जब जीएसटी पूरे इंडिया में लागू हो गया था उसके भी कई दिन बाद जम्मू एंड कश्मीर में लागू हुआ था क्योंकि तब तक जम्मू एंड कश्मीर की गवर्नमेंट ने अप्रूवल नहीं दिया था। और तीसरी चीज, ये जो आर्टिकल 370 है जो तीसरा सेगमेंट है उसमें ये भी लिखा हुआ है कि आर्टिकल 370 को हटाया कैसे जा सकता है, क्योंकि उस टाइम पे ऐसे डिस्कशन होते थे कि ये जो आर्टिकल 370 है ये तो बस तब तक के लिए जब तक प्लेबिसाइड नहीं हो रहा, पाकिस्तान पीछे नहीं हट रहा है, बस तब तक जरूरत है, उसके बाद तो आर्टिकल 370 की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आर्टिकल 370 को कैसे हटाया जाएगा उसमें ये लिखा कि अगर आर्टिकल 370 को हटाना है तो जम्मू एंड कश्मीर की जो गवर्नमेंट होगी सबसे पहले उससे अप्रूवल लेना होगा, उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी उससे अप्रूवल लेना होगा, और जब ये दोनों अप्रूवल दे देंगे उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होगा वो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर पास करेगा, उसके बाद आर्टिकल 370 हट जाएगा। लेकिन आगे चल के जो 370 को हटाने में जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है वो ये आती है कि जम्मू एंड कश्मीर की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसने जम्मू एंड कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और बनाने के बाद वो डिसॉल्व हो गई, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बची ही नहीं, और जब वो बची ही नहीं तो वो अप्रूवल कैसे देगी, यानी कि इसकी वजह से आर्टिकल 370 को हटाना बहुत ही टेढ़ी खीर हो गई थी। और यही रीजन था कि कश्मीर के लीडर एकदम कॉन्फिडेंट होके बोलते थे कि आर्टिकल 370 कभी भी नहीं हट सकता। We will never be able to remove Article 370. जरा करके दिखाएं फिर देखें। 200 साल हुकूमत करेगी तो भी वो You cannot touch Article 370. और कभी भी अगर वो 10 दफा भी हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो 370 को नहीं छोड़ेंगे। लेकिन हटाया गया और इतनी प्लानिंग के साथ हटाया गया कि हर कोई हैरान हो गया। अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे। 4-5 साल पहले इसकी प्लानिंग करके इसको हटाया गया। अभी आगे एक एक चीज बताऊंगा कि किस तरीके से हटाया गया था और क्या क्या चीजें सेट की गई थी। तो चलें जी, वीडियो स्टॉप कर दिए भाई। वीडियो अगर देखने वाले तो सही पूछे तो अगला ऐसे ही था, लेकिन ये भी है कि भाई नहीं जब तक काफी नहीं चलेगा कि मामला क्या था, ये लागू क्यों किया गया था, आने की वजह तो समझ में नहीं आएगी। तो आजकल जो सोशल मीडिया पे सबसे पहले तो बात ये छिड़ी है ना, मोदी साहब भी अक्सर नेहरू को ब्लेम करते हैं
एक स्टेट उनको दी गई थी कब्जाने के लिए, उसमें भी आर्टिकल 370 पहले। इससे तो आज भी हम कह सकते हैं कि इंडिया भी कब्जा ग्रुप हुआ। नहीं ग्रुप कब्जा ग्रुप तो चलो, तो ये दिखाया गया कहां गया है वीडियो में, कब्जा ग्रुप तो फिर इंडिया ही हुआ ना। चलो इस लिहाज में तो हम मोहम्मद अली जिन्ना पर भी ब्लेम लगा सकते हैं। अगर वो पाकिस्तानी आर्मी को भेजते उस समय वो कश्मीर को कब्जा लेता, ₹300 बंदा नहीं था कानून बनाने वाला। तो फिर एक को ब्लेम नहीं ना कर सकते, ये भी तो बात है। नहीं है लेकिन फिर भी उन्होंने ऑप्शन रखा था भाई साहब कश्मीर के लिए अलग से ऑप्शन रखा, क्योंकि उस वक्त कश्मीर की सिचुएशन अलग थी, अब जो है वो अलग है। हाँ लेकिन ये जो हटाया गया ना भाई साहब, इसमें जो कमाल है ना उसी में है कि इतनी तेजी से उनकी गवर्नमेंट कमाल यही है तारिक साहब। जूनागढ़ को कब्जाया गया, हैदराबाद को कब्जाया गया, क्या हुआ? किसी ने आवाज उठाई? कुछ उनके साथ मुकम्मल था पर भैसा, हालांकि वो अपनी आर्मियां बनाकर बैठे थे बीचों बीच, इंडियन आर्मी आई उन्होंने उनको धोया, किसी ने कोई आवाज नहीं उठाई, कब्जा हो गया वो मिल गया। ये मेरा कि जो हैदराबाद में था ना कि वहां पे मेजोरिटी थी मुसलमानों की, और वो जो जो हिंदू इंडिया के पक्ष में जाते थे उन लोगों को वो मार पीट भी रहे थे, वहां पे दंगे शुरू हो गए थे। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद जो है वो वल्लभभाई पटेल ने आर्मी भेजी और उसको घिराव कर लिया, और वहां पे भी दंगों को कंट्रोल किया था, दंगों को मारा कूटा गया भाई साहब। ऐसे ये तो चलो जैसे भी है ना, ऊपर तक घिराव करने का दंगे अंदर वाली साइड पे चल रहे थे, उनको मारा, वही राजा वहां से भाग कर पाकिस्तान आ गया। राजा नहीं, वो जूनागढ़ वाला भागा था, हैदराबाद वाले ने उधर मेजोरिटी हिंदुओं की थी, मुस्लिम लीडर था जूनागढ़ के, उसने वो साइन कर दिए थे जूनागढ़ वाले ने। लेकिन यहाँ पर ये भी तो है, कश्मीर के राजा ने पहले साइन तो पाकिस्तान के साथ किए थे, इंडिया के साथ जो स्टेन स्टील वाले हुए थे पाकिस्तान के साथ कि भाई हम ऐसे रहेंगे, आप हमारे साथ कारोबार करो, ये वो सारा आओ जाओ सारा कुछ करो, वो जय दे इंडिया के साथ जो वो नहीं किए, इंडिया ने वो साइन नहीं किए, इंडिया ने साइन जो करवाए थे वो उस समय करवाए थे कि आप हमारे साथ मिल रहे हो। वो तो जब गए थे ना दूसरे कबायली जब उधर गए थे, उन्होंने बारामुल्ला का एक इलाका है वहां पर भाई साहब बहुत ज्यादा मार काट की गई थी, किसी को नहीं छोड़ा मुस्लिम जो आते जरा बहुत मारा पी। लेकिन इसमें आज तक जो कश्मीर पिस रहा है, इस वीडियो से मैंने जो सीखा भाई साहब, उसमें कहीं ना कहीं राजा साहब को लालच था अपनी कुर्सी का, यानी कुर्सी के लालच में उसने, चाहे वो कश्मीरी पंडित हो या वो कश्मीरी मुस्लिम हो, उनको मरवाने वाला जिबा करवाने वाला राजा साहब ही है। तुमने महल नहीं देखा सोने का, उसका देखा है सोने का है भाई, आज भी दिखाते हैं, कोई सोने का बना हुआ था जो जहाँ पर वो बैठा सिंहासन जहाँ पर वो बैठते थे सोने का था, जो टाइल पत्थर उनके वॉशरूम में लगी हुई थी वो इंग्लैंड से आई थी, बाहर की कंट्री से आई। वाह वाह क्या बात है। तो राजा महाराजा अच्छा, तो इतनी अपनी इतनी ऐश प्रस्त जिंदगी तो उन्होंने बना ली, लेकिन अपनी प्रोटेक्शन के लिए उस समय भी उन्होंने सेना नहीं बनाई हुई थी, इतनी कमजोर आर्मी थी नहीं। भाई साहब वो फेल नहीं, देखो ना इंग्लैंड वॉशरूम के लिए इंग्लैंड से टाइलें तो आर्मी होती है, लेकिन अपने स्टेट के लिए तो स्ट्रॉन्ग भी तो कर सकते थे, उन्होंने बस थोड़ी थोड़ी रखी थी क्योंकि राज तो उनका ही चलता था ना ज्यादा। तो मैं अपनी स्टेट की बात कर रहा हूँ भाई जी, स्टेट में वो थी वहां तो कर सकते थे। हाँ ये बात है भाई, लेकिन वो पता नहीं कि वो किस तरह हो गया, लेकिन ये भी तो देखें उनके ऊपर गोरों का भी राज नहीं था।
गोरों का भी राज नहीं था, राज उनका अपने ही था। चले जी भाई, बाकी हिस्सा तो बाद में आएगा, लेकिन ये भाई जूनागढ़ के मामले में भी भाई साहब जो उनके राजा के अगर वो देखा जाए तो उन्होंने साइन पाकिस्तान की तरफ किए थे, लेकिन इंडिया ने उसको कब्जाया क्योंकि इंडिया और बाद में चलो वोटिंग करवा के उन्होंने भाई अपनी साइन पे वो बाद में कानूनी हुआ, कानूनी हो गया जी। लेकिन ये इसलिए ये जो कश्मीर है इसके इलेक्शन इसलिए नहीं हो पाए क्योंकि भाई जो यूएन की रेजोल्यूशन थी उसमें ये था कि पहले पाकिस्तान अपनी आर्मी निकालेगा, फिर हिंदुस्तान अपनी आर्मी निकालेगा, फिर वहां पे इलेक्शन होता जी। और दोनों कंट्री को बेसा एक दूसरे पे भरोसा बिल्कुल नहीं था, ना पाकिस्तान को था ना इंडिया दोनों को था, भी जितने हटा ही दूसरे को सारे ने सारे ना पाकिस्तान निकला ना पाकिस्तान और अमेरिका के जो है तलकार भी अच्छे थे। हां वो शर्त ही इसीलिए रखी गई, एक चीज है ये पाकिस्तान का मैं कहता हूँ जो मूव था ना ये इंडिया को बहुत पीछे छोड़ गया, ये जो लेकर अधूरा की तरह, लेकिन ये अधूरा था, अधूरा समझो अधूरा भी था लेकिन ये पूरा हो गया इंडिया के लिए, ये सारा जो रास्ता वो तो कटा हो गया। अच्छा मुझे ये बताओ ये जो आप लोग बोलते हैं उस वक्त जो आर्मी थी डिवाइड किया पाकिस्तान का ज्यादा आर्मी नहीं, हाँ ये भी सुना है भाई, ये सुना ना, तो इस हिसाब से तारक भाई देखो पाकिस्तान ने बहुत कम इलाके बहुत कम इलाके कब्जा है ऐसे ना, इंडिया ने भाई साहब देख लो कितने अंदर भी से भी कब्जा है और कितने बाहर से जजीरे भी कब्जा है ना, जहाँ पर पाकिस्तान जाते हैं उससे पहले इंडिया जा, हालांकि बोलते हैं पाकिस्तान के पास ज्यादा आर्मी थी, नहीं इतनी ज्यादा नहीं थी वो, परसेंटेज में कुछ ऑफिसरों में शायद ज्यादा होगा, लेकिन अब उसका भाई मुझे पता, ये मैं सुना था कि पाकिस्तान की आर्मी जितनी इसकी जो थी जरूरियात से ज्यादा ज्यादा, और उसके साथ साथ ये भी था ना कि उतना असला बारूद हमारे पास नहीं था, सिर्फ मैन पावर थी इस्तेमाल करने के लिए, असला बारूद उतना, लेकिन जंग तो उसी टाइम पर शुरू कर दी, और जब इंडिया ने भी की थी उधर जो हैदराबाद में करके उधर क्या सेम ही सिचुएशन थी यार, वो तो बिल्कुल कदर है जंग होती है और हिसाब होता तू और नहीं, जंग तो बंटवारे की वजह से हो रही ना, ये लाइन खींचने की, बंगाल को भी तोड़ा गया और पंजाब को भी, इसके अलावा कौन सी स्टेट टूटी, या ये कश्मीर का पंगा है, ये तीन स्टेट तीन पंगे हुए और तो कोई नहीं ना, और दूसरे पंजाब और बंगाल तो भाई बच गया लेकिन कश्मीर आज भी पिस रहा है। अब नाम मुझे भूल गया, नहीं वो शेख अब्दुल्ला थे, उनके बेटे फारूक अब्दुल्ला मौजूद है, शेख अब्दुल्ला जो थे वो जो चाहते थे कि डेमोक्रेसी है, कि राजा का रूल जो है वहां से, तो उसकी अपनी नीति थी भाई, वो अपनी जगह पर वो भी ठीक, और नेहरू के साथ वो खुश थे भाई जी, और उनका झुकाव भी इंडिया की तरफ ही था, अगर ये राजा जाने में सबसे बड़ा हाथ ही मैं कहता हूँ उसका है शेख अब्दुल्ला, हाँ क्योंकि पॉपुलेशन तो था, हाँ मुस्लिम को उसने कंट्रोल करना था, वो लीडर मुस्लिम्स का था, लेकिन बाद में उसने धोखा भी तो दिया था ना, किस चीज का धोखा दिया, सारी बता रहे थे उसके अंदर, आगे वो डिटेल तो बतानी है, अभी तक वीडियो में तो उसका धोखा, अभी तक धोखा आई नहीं है, चलो जी ठीक है भाई अगला पार्ट बोलेंगे तो उसपे भी हो जाएगा, लेकिन भाई साहब जो सूरत हाल जो पास्ट में हुई, अब जो हमने इस वीडियो में सीखा ना भाई कि 300 लोग थे जो बनाने वाले थे और कानून, अकेले नेहरू जी को ब्लेम बिल्कुल नहीं हो सकता, और जो सूरत हाल थी उसको पब्लिक भी क्योंकि मेजोरिटी में मुस्लिम थी उनको खुश करना, दो राजा हरि सिंह को खुश करना ये बहुत मुश्किल था, बिल्कुल क्योंकि राजा तो भाई अपनी गद्दी किसी हालत में छोड़ना चाहते ही नहीं था, अगर उस वक्त ये आर्टिकल 370 की बात ना होती तो हो सकता है राजा भाई साहब थोड़ा सा और ढीला हो जाता, सही बात है, तो ठीक है भाई अपने जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, मिलते हैं इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़।